का मतलब क्या है कि आपको एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस पता है ऑनफरेंस एलिमेंट जिस जो जो आप इस तरह से ये बने सिग्मा एक्स सिगमा वाई एक्स वाई और इसी तरह से ये पूरा आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस पता है ये पता होने के बाद आपको रिक्वायर्ड क्या है एक एक और ओरिएंटेशन के ऊपर एलिमेंट है जैसे अगर ये ओरिजिनल एलिमेंट है और इस एलिमेंट के ऊपर आप स्टेटस स्ट्रेस फाइंड करना चाहें स्टेटस स्ट्रेस फाइंड करने का सिंपली मतलब ये है कि आपने चारों जो फेसेस हैं उनके ऊपर आपने क्योंकि इनप्लेंट इन प्लेन स्ट्रेसेस की बात हो रही है इसका मतलब यह कि हम सिर्फ चार जो हमारे फेसेज हैं उनके ऊपर स्ट्रेस नॉन जीरो होंगे और दो जो फेसेस हैं उनके ऊपर स्टेटस स्ट्रेस ज़ीरो होगी क्योंकि हम प्लेन स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो टोटल चार जो फेसेस हैं उन चारों फेसेस के में से हर एक फेस के ऊपर आपने नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट बताना होता है तो इसका मतलब uh, हमें ये वाला स्टेटस स्ट्रेस फाइंड करने के लिए वी विल हैव टू गो प्लेन बाय प्लेन ये वाला प्लेन इसके ऊपर हमें इस नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट चाहिए जब ये हमें पता चल जाएंगी तो फिर ये वाली जाहिर है फेस वाली हमें वर्कआउट नहीं करनी पड़ेंगे हम नॉर्मल और शेयर ड्रॉ कर सकेंगे फिर इसका मतलब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा इस प्लेन के लिए नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट फाइंड करने होंगे और फिर हमें ये वाले बाइक वीब्रम पता होंगे वैसे बाई ये वाला जो शेयर स्ट्रेस है ये भी हमें पता चल जाएगा जब हमें ये पता चल जाएगा तो फिर ये पता चल जाएगा और ये दो, दोनों जो अपोजिट हैं ये भी हमें पता चल लेकिन ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट नजर आ रहा है जिसका एंगल थीटा दिखाया आपको एक्स प्राइम इस प्लेन जिसका ये एक्स प्राइम है उसका एक्स प्राइम का एंगल है एक्स एक्स के साथ एंगल है थीटा और इस प्लेन के ऊपर हम सिग्मा एक्स प्राइम

Uh, y prime direction, ये इसी plane की reference है x prime और इसके ऊपर आपको फाइंड करना है सिग्मा एक्स और एक्स प्राँग प्राँग. ये नौ, और ये 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 करने के लिए हम uh, य, 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 ये वाली इसके लिए आप पूरा प्र, प्रोसीजर करेंगे या दोबारा वही चीज दिखा रहा हूं मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था आप Uh, आपके पास स्ट्रेसेस होंगी फ्री बॉडी डायग्राम में उसको उनको आप कन्वर्ट कर लेंगे इक्वेबिल फोर्सेस में उसके लिए आप उनको करस्पॉन्डिंग uh, स्ट्रेसेस को करस्पॉन्डिंग एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली आपके पास इस तरह की इक्वेशंस आएंगे सिकमा एक्स प्राइम और टा एक्स प्राइम वाई प्राइम अब ये आपको इस प्लेन के लिए आपने डिराइव कर दिए इक्वेशन अब ये इस प्लेन के लिए आपने uh, सिकमा एक्स प्राइम और टा एक्स प्राइम वाई प्राइम की इक्वेश लिख दी हैं ये इस, अगर आप इन इक्वेशन को ज़रा गौर करें तो इसमें एक तो सिग्मा सिग्मा एक एक्स एक्स वाई वाई और टा, इस, इस, इन, सिग्मा सिग्मा टा तो एलिमेंट था अगर मैं आपको प्रीवियस एलिमेंट दिखा सकूं इस प्रीवियस एलिमेंट की ओरिजिनल स्टेटस ओरिजिनल और, जो उसकी ओरिएंटेशन थी एलिमेंट की उसके ऊपर एक्टिंग एक्ट करने वाले स्ट्रेसेस है आपको तो एक नॉन डेटा है आपका अपने प्लान का थीटा कितना है

एसोसिएटेड स्ट्रेसेस हैं तो ये तो जाहिर है थीटा के चेंज करने से चेंज नहीं होगी इसका मतलब ये कि सिग्मा एक्स प्राइम को जो वेरिएबल डिफाइन करने जा रहे हैं वो थीटा है ठीक है डिफरेंट प्लेन्स के लिए डिफरेंट थीटा हो जाएगा और आपका सिग्मा एक्स प्राइम का आंसर डिफरेंट हो जाएगा सेम गोज वाई प्राइम अगर हम इस एलिमेंट के इस एलिमेंट इस वाले फेस के ऊपर वर्कआउट करना चाहें इस प्लेन के ऊपर वर्कआउट करना चाहें तो हमें इस प्लेन का अपना एक्स प्राइम होगा और ज़ाहिर इसका अपना एक y प्राइम होगा और इसके x प्राइम का अपना एंगल होगा विद सेम रेफरेंस विद इज x एक्सिस और ये काउंटर क्लाक वाइज सीट आपने मेजर कर लेना यानी जो भी एंगल है उसको कंसीडर कर लेना ये जाहिर है ये वाला एंगल कितना होगा इस एंगल का मसला अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल 20 प्लस 90 यानी 110 डिग्री होगा अगर ये 30 है तो ये 120 होगा यानी जाहिर है उससे 90 डिग्री बड़ा एंगल होगा कि आप ज़ाहिर है ये तो आप समझ सकते हैं क्योंकि ये जो ये जो लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है नहीं, ये वाली लाइन ये वाली लाइन ठीक है जी आप समझ सकते हैं सो so, अब ये इस प्लेन के लिए जब आप फाइंड करेंगे तो आप सिंपली इसी इक्वेशन के अंदर थीटा की डिफरेंट वैल्यू जो कि आपको यहाँ से रीड करनी है वो अपुट कर देंगे तो आपके पास ये वाला सिग्मा एक्स प्राइम आ जाएगा आपके पास इस यानी ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा आई एम सॉरी ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस और इसी तरह से अगर आप थीटा की ये वाली वैल्यू यूज कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर तो आपके पास ये वाला नॉर्मल ये वाला शेयर स्ट्रेस आ जाएगा अब इसका जो हर प्लेन का अपना मैंने जैसे कहा था एक्स और वाई है, तो अगर नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब आपने मतलब इसको इस तरह अंदर, अंदर की तरफ शो करना है और अब इसका जो भी आंसर आ जाएगा तो आपने उस आंसर को अगर पॉजिटिव आता है तो इस तरफ शो करना है और इस तरफ शो करना है इस वक्त मैंने जो ये एलिमेंट इस ये जो एरो इस तरफ शो किया ही इस वजह से शो किया कि अगर ये वाला आंसर यही आ जाए ये ये वाला शेयर स्ट्रेस की यही डायरेक्शन हो तो फिर डेफिनेटली ये इसकी फाइनली डायरेक्शन ये बनेगी ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस की वजह से इस इसी ड्रॉ करना पड़ेगा तो ये आपके पास अगर इस फेस के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस के ऊपर नॉर्मल और शेयर कंपोनेंट पता चल गया तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट फेस के ऊपर आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है यानी इन इक्वेशंस को यूज करने की जरूरत नहीं है अलग से आपको पता है कि अगर ये इस तरह से नॉर्मल प्राइम है तो यहां पे भी इसके अपोजिट

इस तरह यूज़ करेंगे इस प्लेन के लिए जो भी थीटा होगा उसको यूज़ करके सिग्मा एक्स प्राइम था एक्स प्राइम वाई प्राइम ये दो फाइंड कर लेंगे नॉर्मल और शेयर कंपोनेंट इस प्लेन के ऊपर और उसके बाद आपको शेयर के बारे में तो सारा पता चल चुका क्योंकि ये अगर अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड और फिर ये जो दो, दो स्ट्रेसेस हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगी इसके और इसके तो इस शेयर का तो सारे फेसेस के ऊपर शेयर कंपोनेंट्स पता चल चुके हैं लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट हमें यहाँ कर पता चल गया यहाँ पता चल जाएगा लेकिन इसके लिए हमें अलग से फाइंड करना पड़ेगा कि ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट कितना है क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट पता लगने से हमें ये नहीं पता चल सकता दिस इज समथिंग कंप्लीटली इन डिफरेंट डायरेक्शन सो ये सिग्मा एक्स प्राइम ये वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये हमें अलग से वर्कआउट करना पड़ेगा बाय अगेन यूजिंग दिस इक्वेशन बट दिस टाइम विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा विच विल बी You know, given by this, जो भी एंगल बनता है सो दिस इज हाउ एबल टू नो द शेयर इन कंपोनेंट्स ऑन ऑल फोर हाउ कंप्लीट दिस प्रॉब्लम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जैसे मैंने पहले बात कर ली है कि ये जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है किसी भी प्लेन के ऊपर इट इज फंक्शन ऑफ थीरा तो जस्ट थिंक ऑफ इट एज सिग्मा एक्स प्राइम एज अ फंक्शन ऑफ थीरा इस, मैं पहले यहाँ पे एक मैथमेटिकल एनालॉजी आपको थोड़ा सी मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं अगर आपको कोई एक फंक्शन गिवन हो वाई एज अ फंक्शन ऑफ़ एक्स वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अगर ये मैंने इसी फंक्शन का ग्राफ यहाँ प्लॉट कर दिया है अगर मैं इस फंक्शन इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट्स को लोकेट करना चाहूँ यानी इसके कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज को लोकेट करना चाहूँ तो क्या प्रोसीजर होगा और वो और वो बेसिकली होती क्या है जैसे कि आपको नज़र आ रही है ये एक लोकल मैक्सिमम पॉइंट है और ये एक लोकल मिनिमम पॉइंट है यानी ये दोनों कुछ ये इन दोनों ये दोनों वो पॉइंट्स हैं जहाँ आप ये जो फंक्शन है कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ को लोकली कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज को अटेन कर लेता है और फिर ये वापस वहाँ से आ रहा होता है यानी यहाँ पर इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ज़ीरो स्लोप बना लेता है और इसका मैथमेटिकली मतलब ये है कि इस फंक्शन का जो डेरेवेटिव है वो, वो इस जगह पर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम इस फंक्शन के फाइंड करने का स्टैंडर्ड मैथमेटिकल प्रोसीजर क्या है आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं यहां से जो आपके पास एक्स की जो रूट्स आएंगे बाय पुटिंग द डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो और वो जाहिर है ये वाई फंक्शन है एक्स का तो इसका डेरिवेटिव भी फंक्शन होगा एक्स का जैसे ये इसका डेरिवेटिव है तो अगर इससे आप इस डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करके यहाँ से एक्स की रूट्स को वैल्यूज को वर्कआउट कर दें तो ये जो एक्स की वैल्यूज होंगे जैसे ये एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू सिक्स है इन वैल्यूज के ऊपर की इन स्पेशल वैल्यूज के ऊपर वाई जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज अटेन करता है या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम अब हमें नहीं पता कि x इक्वल टू माइनस वन के ऊपर एक लोकल मैक्सिमम अटेन करता है या लोकल मिनिमम अटेन करता है ये कैसे पता चलेगा हम ए, x इक्वल टू माइनस वन की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे और इस फंक्शन को अवैल्यूएट करेंगे जैसे ये मैंने किया एक एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी करस्पॉन्डिंग टू दिस फर्स्ट एक्स फर्स्ट इक्वल टू माइनस वन तो uh, फिर हम दोबारा से एक्स इक्वल टू सिक्स पुट कर देंगे गिवन फंक्शन में और फिर दोबारा से उसका वैल्यू कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी एट एक्स इक्ल टू सिक्स अब ये जो वैल्यूज आ गई मिनिमम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लोकल मैक्सिमम है बाय लोकल कौन सा लोकल मिनिमम है? और माइनस फिफ्टी वन से इसका मतलब है ये लोकल ऊपर वाली वैल्यू लोकल मैक्सिमम है और ये माइनस फिफ्टी वन ये लोकल मिनिमम है ये जैसे आपको न, 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 इस, इस ग्राफ ये ग्राफ वाकई इसी का ही ग्राफ है ये रैंडमली ग्राफ नहीं इसी का ग्राफ मैंने प्लॉट किया है तो यहाँ आप देखें तो एक्सक्वल टू तो माइनस वन के ऊपर ये सिक्स पॉइंट वन सिक्स सेवन वैल्यू बन जाती है फंक्शन की ओलो ये लोकल मैक्सिमम है और एक्स इक्वल टू सिक्स के ऊपर भी ये अगेन एक लोकल मैक्सिमम से गुजरता है और यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस फिफ्टी वन है तो ये तो खैर मैंने ग्राफ आपको दिखाया है तो आपको ये नज़र भी आ रहा है लेकिन अगर आप ग्राफ आपके पास ग्राफ ना भी हो तब भी लोकल मैक्सिमम ये लोकल मिनिमम फाइंड करने का तरीका क्या है आप उस फंक्शन को डेरिवेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उस डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो कर देते हैं यहाँ से जो एक्स की वैल्यूज निकलती है वो एक्स की स्पेशल वैल्यूज होती है ये वो वैल्यूज होती है जिनके ऊपर आपका फंक्शन लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम की वैल्यू अटेन कर रहा होता है इस मैथमेटिकल एनालॉजी को अब हम अपने केस में अप्लाई करने जा रहे हैं कि हमारा फंक्शन है सिग्मा एक्स प्राइम इज अ फंक्शन ऑफ थीटा जैसे वाई वॉज अ फंक्शन ऑफ थीटा

सिग्मा एक्स प्राइम की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज के अंदर यानी सिग्मा एक्स प्राइम की एक्सट्रीम वैल्यूज के अंदर यानी सिग्मा एक्स प्राइम बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस है ना यानी नॉर्मल स्ट्रेस की एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर मैं इंटरेस्टेड के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस जो है यानी सिग्मा एक्स प्राइम की जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो क्या है लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है मिनिमम वैल्यू क्या है तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे इस फंक्शन को जो सिग्मा एक्स प्राइम का फंक्शन है <coughs> आई एम सॉरी इसको डेरिवेट करना पड़ेगा एक्सक्यूज मी विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर उस फंक्शन को मैं इक्वल टू जीरो करूंगा और यहाँ से जो थीटा की वैल्यूज निकलेंगी वो थीटा के स्पेशल वैल्यूज होंगी जैसे ये एक्स की वैल्यूज निकली थी और ये स्पेशल वैल्यूज थी तो ये थीटा की उन वैल्यूज के ऊपर दिस सिग्मा एक्स प्राइम विल बी अटेनिंग इधर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू सो लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड ये हमने डेरिवेट कर दिया फंक्शन को सिग्मा एक्स प्राइम को विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा और ये हमने इस डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो कर दिया अब यहाँ से जो थीटा थीरेपी अगर हम इस इक्वेशन को री सॉल्व कर दें फॉर थीटा तो इस तरह की इक्वेशन बन जाती है अब जाहिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं इसको जैसे वहाँ पर मैंने एक्स इक्वल टू माइनस वन और इस तरह से कुछ वैल्यूज लिख ली थी यहाँ पर ज़ाहिर है ये फंक्शन जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में ही वर्कआउट किया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अब ये अब यहाँ से अगर थीटा थीरेपी की वैल्यूज़ को आप वर्कआउट कर दें तो यहाँ से थीटा पी की वैल्यूज निकलेंगी दो स्पेशल वैल्यूज ऑफ थीटा थीटा उन स्पेशल वैल्यूज को हमने थीटा पी कह दिया हुआ है ठीक है ये जो यानी इस गिवन फंक्शन में इस गिवन फंक्शन सिगमा एक्स प्राइम के अंदर अगर आप थीटा की ये वाले स्पेशल वैल्यूज जिनको हमने थीटा पी कह दिया वो पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर्स निकलेंगे सिग्मा एक्स प्राइम के दोज विल बी इधर लोकल मैक्सिमम आंसर अ लोकल मिनिमम आंसर जस्ट एज यू कैन सी ओवर हियर अब ये वैल्यूज इसका मतलब अब यह, यहां पे अब पे प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन आ जाती है ये जो आपके पास वैल्यूज निकलेंगी इधर मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्स प्राइम ठीक है लोकल का वर्ड हटा रहा हूँ मैं सिंपली कहता हूँ विच विल बी इधर मैक्सिमम वैल्यू आर अ मिनिमम वैल्यू तो उन वैल्यूज नॉर्मल स्ट्रेस की इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो अगर सिग्मा एक्स एक्सप्राइन की है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर द मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है दीज आर नॉर्मल स्ट्रेसेस लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रेसेस के स्पेशल वैल्यूज स्पेशल कौन सी है दे आर इधर मैक्सिमम वैल्यू आर मिनिमम वैल्यू यानी एक गिवन पॉइंट के ऊपर अगर हम जस्ट थीटा को चेंज करते जाएं यानी कटिंग प्लेन की ओरिएंटेशन को बदलते जाएं यानी Uh, सिर्फ प्लेन ही एक ही पॉइंट ये बात ये जहन में रखेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस का, का the, जब हम कहते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्मम वैल्यूज ऑफ नॉर्मल एंड मैक्म मिनिमम वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इसका मतलब ये होता है कि उसी पॉइंट के ऊपर अगर आप जस्ट एंगल चेंज करते हैं कटिंग प्लेन का uh, uh, अपने प्लान का तो उस प्लान uh, यानी डिफरेंट हमें पता है कि सिख एक्सप्रेन की एक ही पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यूज बनेंगी वेन वी कंसिडर अ डिफरेंट ऑरटेशन ऑफ द प्लान यानी सिंपल सी बात यह कि

थीटा की जो यहां से आंसर निकलेगा जिन वो स्ट्रेस से वो किसी प्लेन किसी पे एक्ट कर रहा होता है ना तो थीटा पी की यहां से जो निकलेंगी, planes. जिन प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट करती है उन प्लेन्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल अच्छा प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस जैसे मैंने पहले बात कर दी इट इज इधर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस अगर ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो तो हम इसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं अगर ये मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है तो हम इसको वर्ड यूज करेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सो सो प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इधर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सो दैट द प्रिंसिपल स्ट्रेस हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे इससे पता है आपके लिए क्लियर हो जाएगा थैंक यू वेरी मच